जनता की यह सोच है कि बाहरी भगाओ और घोसी बचाओ, बाहरी भगाओ और घोसी बचाओ, विकास के नाम पर या महंगाई के नाम पर। हम लोग एक देश के नौजवानों को भी कहा जाता है और शिक्षा को भी कहा जाता है कि देश को अगर बचाना है तो नौजवान को आगे लाना है। तो इसलिए जो है आज देश हमारा पीछे चल रहा है। जो लोग कह रहे हैं जब हम बिक जाएंगे तब क्या होगा। सुनिए, अभी सपा के विधायक चुने थे आप, बहुत कह रहे थे कि सपा बदलाव लाएगी, भाजपा नहीं सही है, और सपा के विधायक छोड़ के भाजपा में चल गए। उनकी एक व्यवसाय बनी हुई है, वो एक दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, शासन में जाना चाहते हैं, मगर हम लोगों ने भी तूल पकड़ लिया है और घोसी की जनता भी ये समझ रही है कि ये दुकानदारों को, ये व्यवसायियों को, ये घोसी के लिए लूटने खातिर के बाहर के लोग आते हैं। तो घोसी की जनता इतना बकलोल और मूर्ख नहीं है, बड़ी बड़ी हस्तियों को भगा करके वो दूर कर दिया। तो ये बड़ी बात है कि ऐसे लोग अगर आते हैं तो वोट से उनको जवाब दीजिए और उनको विचारों से भी जवाब दे दीजिए। चौहान बता रहे हैं कि सपा से मैदान में आ रहे मंत्री उन्त्री बन के आएंगे चुनाव लड़ने। हाँ, मंत्री जोगी बाबा काले बड़े कि जाके जब घोसी के जब विधानसभा से आप सदस्यता वहाँ के सपा से इस्तीफा दीजिए, उसके बाद आप भाजपा से चुनाव लड़िए, जो सही बात है। भाजपा से चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ करके जब आएंगे तब हम आपको मंत्री बनाएंगे। इसलिए आज वो दारा चौहान घोसी की जनता के बीच में आने वाले हैं और घोसी की भी जनता लाठियां लेकर के तैयार है कि आओ दारा चौहान, तुम्हें अब बता दिया जाएगा और आजमगढ़ में खदेड़ा होगा, तुमको भगा करके हम लोग छोड़ेंगे। यहाँ सब तुम्हें चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजने का काम नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को यहाँ की जनता राह जो रही है कि आओ मैदान में। तुम्हें 10 बार लोगों ने जिता करके देखा है, पार्लियामेंट में भेज करके देखा, विधानसभा में भेज करके देखा, तुमने लूटने का काम किया। तो इसलिए आने वाले भविष्य में अब घोसी की जनता भी लोकसभा का चुनाव आने वाला है और विधानसभा का भी चुनाव दोबारा होने जा रहा है उपचुनाव। इसमें जनता भी घोसी की खोज रही है कि विकास के नाम पर जीरो हो और जनता के दुख और सुख के बारे में जीरो हो, तो विधानसभा में नहीं अपनी आवाज पहुंचा सकते हो। पिछले चुनाव में जाति के, सुनिए, पिछले चुनाव में जाति के नाम पर वोट डालोगन, पियरका चाचा बका देना, तू तो पियरको चाचा छोड़ डाला हो। भैया, मरना तो सबको सत्य है, मरना जो है सबको सत्य है, मगर एक न्याय चीज होती है, न्यायपालिका बना हुआ है, कार्यपालिका बना हुआ है, हर विद्वान को, हर बुद्धिजीवों को उसमें आवाज उठाने का हक मांगने का।